नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले में 3 तहसील है जिनमें उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह को समय समय पर काम करने के लिए दर बदर शासन के आदेशानुसार किया गया, लेकिन जहां पर रहे वहां काम पर ध्यान देने वाले उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर बृहद वृक्षारोपण कर लक्ष्य से ज्यादा पेड़ों की रोपाई करवाया है प्रहलाद सिंह। वहीं खागा तहसील में सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने में देर न करते काम करने वाले हैं और इस समय कोरोना वायरस की वजह से सभी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज फतेहपुर जिले में 34 पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए जिले में दहशत सी फैल गई है। जिले में 469 टोटल मरीज हैं, जिनमें 283 ठीक भी हुए हैं और 177 अभी क्वारंटीन सेंटरों पर है जिनका इलाज चल रहा है और जल्द ही ठीक होकर अपने घरों को वापस जाएंगे। आप लोगों को बताते चले कि आज खागा तहसील क्षेत्र के कस्बा सोहन में सखी मानव सेवा समिति की अमिता सिंह ने खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह और ग्राम प्रधान पुलिस प्रशासन हल्का इंचार्ज की उपस्थिति में 250 वृक्षारोपण हुआ, जिसमें उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने पेड़ लगाकर पूरी जानकारी भी दिया। खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह समय समय पर मीटिंग लेना, मास्क वितरण करना, कंटेनमेंट एरिया में सैनिटाइज करवाना, साफ सफाई व्यवस्था घूमकर देखना और सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने जैसे ढेरों काम पर ध्यान देना, ये इनके लिए बहुत मायने रखता है। आइए सुने और एक झलक देखें भी। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। जैसे हमारे अभी वो लड़का था ना बीच में जी, हाँ, जो कह रहा था मैं गया था हॉस्पिटल से लौट के, तीनों तो आए हैं मम्मी पापा जी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके घर वाले हैं, उनके घर वाले भेज दिए। राम, आप का नाम? रामदेव। यहाँ जग जहाँ तक खत्म होती थी वहाँ बड़ी दूर तक तालाब है, ये सब तालाबे हैं, सब तालाबे हैं, वो सफेदों में तो खड़े हुए थे तालाब। गाटर 300 280। अरे वो साहब जो सफेदा नहीं है, वो सफेदा की तरह से है, बना के रखना है। इस नाते ये दो दिन प्रयास करके अपने घरों में लोग रहे, दुकानें कदापि न खोले, अति आवश्यक ना हो, बहुत जरूरी ना हो तो कदापि घर से ना निकले। और यदि इतना अपील के बाद, इतना बताने के बाद भी कोई व्यक्ति अनावश्यक घूमते टहलते पाया जाएगा, किसी की दुकान खुली पाई जाएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे बैठक करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है, जो सरकारी आदेश हैं, जो हमारे सरकार की मंशा है, जो चीज़ हमें करना है वो हम आपके माध्यम से इम्प्लीमेंट करा देते हैं। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि शासन प्रशासन की जो क्षमता है, जो उपस्थिति है, जो उपलब्धता है, वो ना काफ़ी है। ये संभव नहीं है कि केवल पुलिस और हम प्रशासन के लोग मिल करके कोरोना जैसी महामारी जो इस तरह से फैली हुई। ये एक बहुत सुंदर संदेश भी है आप लोगों के लिए कि साहब आके आप यहाँ पर पौधा लगा रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि लगाए हुए पौधों को सुरक्षित रखा जाए। पीछे हट जाओ, पीछे 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 बेटा, पीछे थोड़ा एक मीटर की दूरी बना के रखो, दूर दूर रहिए भाई। हाँ, दूरी बना रखिए, तो थोड़ा ये दूर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा ये दूर बना के रखो, ये तुम तो और बना के आए। चलो भाई, आगे आओ।
कलाब के थाने वाला छाप दिया था, जबकि बरसात के नाते लोग इकट्ठा हो गए। क्यों वहाँ भी